आपको स्क्रीन दिख रही, मतलब ज्यादा छोटा दिख रहा है कि इसको मैं और बड़ा करूं? ये जो पहला ए सेक्शन है, A1 से A6 में, बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? A1 से A6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो दिख सर रहा है, हाँ, A1 to A6, इसमें कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आया हो? एनीवन देख लो ध्यान से, पूछो। सारे इसमें हो गए? सारे कोई हो गए, होता है बढ़िया। फिर तो चलो सेकंड बी वाले में, B1 to B6 में, सर, इसमें फोर्थ का आंसर गलत आ रहा था। फोर्थ वाला। हाँ, फोर्थ का आंसर गलत आ रहा होगा, तो फोर्थ तो वाला। फोर्थ हाँ ठीक है, वाला मेरे को था। ओके ओके ओके, फोर्थ वाला सब लोग पढ़ो एक बार। इन हाउ मेनी वेज, सबको दिख रहा ना कि, और इसको एनलार्ज करूँ फॉन्ट को, तीसरा दिख रहा है? ठीक है, ओके। इन हाउ मेनी वेज एन बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट टू स्पेसिफिक बुक आर नॉट टुगेदर। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, एन बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, उनको एक रो में अरेंज करना है, लेकिन कोई दो पर्टिकुलर बुक साथ में नहीं आनी चाहिए। टू टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। तो सबसे पहले बताओ आपने क्या तरीका अपनाया इसको सॉल्व करने का? ऐसे क्वेश्चन को क्या सिखाया था आपको करने के लिए, कि मान लो दो पर्टिकुलर लोगों को साथ में नहीं सबसे रखना है, मतलब ऐसा आया था ना, दो दो गर्ल्स को साथ में नहीं रखना है, दो बॉयज को साथ में नहीं रखना है, तो ऐसे तरीकों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा बताओ, बोलो एक ही करके। हाँ टोटल नंबर ऑफ वेज और माइनस कर देंगे जो कंडीशन गिवन है, जो हमें नहीं चाहिए वाली जो आ रही है जहां पे। ओके, एक तरीका बच्चे ने बताया कि टोटल टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें यहाँ पे क्या होगा, दोनों गर्ल्स टुगेदर हो, आया ना? क्या ये तरीका सही होगा या फिर इसमें कोई गलती हो जाएगी, सोच के बताओ। टोटल तरीके में से अगर मैंने वो तरीके माइनस कर दिए जिसमें दोनों लड़कियां साथ में है, सॉरी दोनों के लड़कियां बोल रहा हूँ, दोनों बुक्स साथ में है, तो क्या वो तरीके बच जाएंगे जिसमें दोनों बुक्स अलग अलग है? सोचो और बताओ ध्यान से, आया ना? ठीक है, इससे हम निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे बता टोटल तरीके कितने होंगे एन बुक्स को अरेंज करने के, टोटल तरीके एन फैक्टोरियल, वेरी गुड। अब ये क्या था कि बोथ द बुक्स टुगेदर, मतलब उन दोनों बुक्स को अगर मैं साथ में रख लूं, तो उन दोनों बुक्स को साथ में रख के वो बची बुक्स को साथ में अरेंज करना, तो इसके तरीके कितने होंगे? तो ये कौन सा मेथड हो गया, मतलब n-1 फैक्टोरियल सर, बॉक्स कौन सा वाला। तरीका हो गया, बॉक्स मेथड, आया ना? यस मतलब बॉक्स मतलब बेसिकली क्या करना, उन दोनों दिन दिन भी जो चीजों को हमको साथ में रखो उसको बॉक्स में रख देंगे, तो अब कितनी चीजें और बच गई है, टोटल एन में से दो चीजें चली गई है, तो कितनी चीजें बची बताओ। सर n-2 फैक्टोरियल। हाँ, एन माइनस टू चीज बुक्स बची, राइट, और इसको हम एक सिंगल ट्रीट करेंगे, हाँ है ना? इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया दोनों बुक्स को, तो इन दोनों को अपन एक सिंगल बुक ट्रीट करेंगे, हाँ है ना? याद आ रहा है? तो टोटल टोटल बुक्स कितनी हो गई टोटल आपको, N-1, वेरी गुड। इसको और इसको मिला के टोटल बुक्स कितनी होगी, N-1। तो अब इन N-1 बुक्स को अरेंज करने का कितना तरीका होगा? N-1 फैक्टोरियल हाँ ओके, क्या और कुछ भी करना पड़ेगा, बस इतना ही होगा? सर N-2 फैक्टोरियल। इनटू टू फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया, इनटू टू फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन दो बुक्स को भी आपस में अरेंज करना है, क्या बात समझ में आ गई? एक तरीका ये था, एक तरीका और है बच्चों, आपको मैंने एक तरीका और बताया था कि इसमें अगर मान लो दो बुक्स को साथ में नहीं रखना, इसका मतलब उनको कहाँ पे रखना है, एक तरीका और इसको करने का जो कि और अच्छा तरीका है, बताओ। इन दो बुक्स को मुझे साथ में नहीं रखना, तो मैं और कहाँ रख सकता हूँ, क्या कहा, वापिस बोलना, सही है, सर हाँ गैप्स में रख दो, बहुत बढ़िया। आप क्या करो, ऐसा भी एक क्वेश्चन कराया था कि दो पर्टिकुलर लोग साथ में नहीं होना चाहिए, दो बॉयज साथ में नहीं होना चाहिए, दो पीपल को साथ में रखना, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको गैप्स में रख सकते हैं, हाँ है ना? यस सर ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कितनी बुक्स हैं, 1 2 3 अप टिल हाउ मच, N-2 बुक्स है मेरे पास, करेक्ट। अच्छा मुझे आपको ये सर बताओ, आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि अगर मान लो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है तो कितने गैप होंगे, सिक्स सिक्स गैप, वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने हो तो उससे एक एक्स्ट्रा गैप होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 5 है तो गैप्स कितने होंगे, एक एक्स्ट्रा 6, अगर मान लो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन है तो बताओ कितने गैप्स होंगे, N+1। आपको पता है, ये देखो यहाँ पे काउंट भी कर लोगे, ये 5 ऑब्जेक्ट है तो 1 2 3 4 5 6 कितने गैप हो गए, 6 गैप हो गए, तो हर बार ये होता है जितने ऑब्जेक्ट हो तो उससे एक एक्स्ट्रा क्या होता है, गैप होता है, यहाँ पे मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट है ये बताओ,
मुझे कितनी जगह सिलेक्ट करनी है इनमें से, इन गैप्स में के लिए, में से कितनी जगह सिलेक्ट, दो बुक्स को रखना है ना आपको, मुझे कितनी जगह सिलेक्ट करनी है, वेरी गुड। तो एन माइनस वन ऑब्जेक्ट में से या फिर एन माइनस वन जगह में से दो जगह को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, इसको निकालने का क्या तरीका होगा? एन माइनस वन सी टू, वेरी गुड, एन माइनस वन सी टू, बहुत बढ़िया। आपको ये सिखा रखा है कि एन में से दो लोगों को सिलेक्ट करना, एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, एनसीआर तरीका होता है, वैसे एन माइनस वन लोगों में से आर लोगों, दो लोगों को सिलेक्ट करना है तो कितना होगा एन माइनस वन सी टू, ये बात आती कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। Yes. किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना अनम्यूट करके, ठीक है, ध्यान से पूछ लेना। हाँ बोलो, एक बार और बता दो, ये गैप्स आपने n माइनस वन कैसे ली? अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो मैंने क्या सिखाया है कि भाई अगर मान लो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना उससे एक एक्स्ट्रा गैप होता है, जैसे मान लो मेरे पास चार ऑब्जेक्ट है, चार बुक्स है, ये चार बुक मैंने रख दी, यहाँ पे गैप्स कितने हैं, तो गैप्स गिनोगे ना, गैप मतलब ये एक, ये भी गैप है, दो तीन चार और पांच, मतलब चार ऑब्जेक्ट के लिए पांच गैप, पांच ऑब्जेक्ट के लिए एक दो तीन चार पांच, सर वेलकम बैक, वेलकम वेलकम, थैंक यू। पांच ऑब्जेक्ट के लिए कितने गैप है, छह गैप है, हाँ है ना, बोलो। यस सर। तो हर बार क्या हो रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट और उससे एक्स्ट्रा गैप आ रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट उससे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो इस बार मेरे पास क्वेश्चन में एक दो तीन चार अप टिल एन माइनस टू बुक्स थी, हाँ है ना, दो बुक्स को मैंने अलग कर लिया तो एन माइनस टू बुक्स, तो अगर मेरे पास इतनी बुक्स है तो कितने गैप होंगे इससे एक एक्स्ट्रा, यस सर, एन माइनस वन, एन माइनस वन हो जाएगा, वेरी गुड। तो बेसिकली एन माइनस टू बुक्स के लिए एन माइनस वन गैप से, क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. अब yes, इसमें sir. इसमें से मुझे कितने गैप सिलेक्ट करने, बोलो, टू गैप्स, टू गैप्स, सब अभिजय आपने अटेम्प्ट करिए मॉड्यूल के नहीं, अभिजय बाकी लोग मंजीत न्यांसी निधा निधि प्रज्ञा रितिका रोशनी सौरभ शिखा शिवांगी ओके ठीक है। तो एन माइनस टू बुक्स में से मेरे पास एन माइनस वन गैप से, इन एन माइनस वन गैप्स में से कोई भी दो गैप सिलेक्ट करने, क्योंकि उन दो गैप्स में अगर मैं बुक को रख दूंगा तो दूर दूर होगी, तो इसमें से दो गैप्स को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, एन माइनस वन सी टू, ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सर आपने क्या बताया था, तो मैंने अभी थोड़ी करा था, नेट प्रॉब्लम हो रही थी, लाइट चली गई थी भाई यार। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन डाउट डिस्कशन चल रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी ध्यान से सुनो, या तो अगर आप क्लास के लास्ट में रुक जाना, मैंने यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ कि भाई मेरे पास एन बुक्स है, उनमें से कोई दो पर्टिकुलर बुक साथ में नहीं होनी चाहिए, तो दो बुक्स को अगर साथ में नहीं रखना तो अपन ने दो तरीके सीखे, या तो उसको अपन टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें से दोनों बुक साथ में, या फिर हम गैप मेथड भी लगा सकते हैं कि क्या करें उन बुक्स को गैप में बैठा दें। तो यहाँ पर n माइनस टू बुक्स थी, n माइनस वन गैप हो, उसमें से दो गैप सिलेक्ट कर लिए, अब बताओ क्या करेंगे इसके अलावा, यहाँ पे तो मैंने मान लो दो गैप सिलेक्ट कर लिए, अब क्या करेंगे और? सर अब सर दो गैप सिलेक्ट कर लिए, तो सर अब दो गैप को सिलेक्ट सर बुक को अरेंज करने के दो गैप को कितने तरीके होंगे सर, टू गैप करें और सर गैप्स को उसमें, और सर जो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में हमने गैप्स लिए उनको अरेंजमेंट करने के जितने तरीके होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल, देखो आपने दो गैप सिलेक्ट कर लिए, मतलब वहां पे दो दो बुक्स को रख दिया, राइट, तो n माइनस सी टू का मतलब क्या कि जितने भी तरीके n माइनस वन में से जितने भी दो तरीके सिलेक्ट करने के सारे तरीके हमने यहाँ पे काउंट कर लिए, अब उनको आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा, टू फैक्टोरियल, राइट, है ना, और बच्चा क्या मेरे पास ये बची हुई n माइनस टू बुक्स को अरेंज करने का तरीका वो भी आपस में हम करेंगे तो वो कितना होगा सर, n माइनस टू फैक्टोरियल, n माइनस टू फैक्टोरियल, वेरी गुड। तो ये आपका सेकंड तरीका, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे और दोनों आंसर मैच करोगे तो आंसर सेम आएगा, क्लियर है? इसका आंसर शायद ऑप्शन नंबर ए है, आई थिंक, पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, जो भी आएगा देख लो। अनम्यूट अनम्यूट बैकग्राउंड आ रहा है समझ में, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आ जाएगा आंसर, तरीका यही है, कोई गलत तरीका नहीं अपना, क्लियर है? हां सर, बोलो, यस सर, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट B7 से B19 इस पेज पे, B7 से B19 में बोलो, जल्दी से देख लो एक बार,
जो जो भी डाउट्स थे। 19 ठीक है। नाइनटीन देख लो, इसके अलावा और कोई नहीं है ऊपर में? 14 ठीक है, 14 पढ़ लो एक बार। क्या लिखा है 14 में? द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मिक्स डबल टेनिस कैन बी अरेंज्ड अमंग 9 मैरिड कपल इफ नो टू हस्बैंड एंड वाइफ प्लेज इन द सेम गेम। क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या बोला गया ये? द नंबर ऑफ वेज इन विच मिक्स डबल टेनिस गेम। अच्छा मुझे ये पहले तो ये समझो, मिक्स डबल टेनिस गेम मतलब? अच्छा आपको ही समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आया वो समझा दो कि मिक्स डबल टेनिस का मतलब क्या होता है। ये तो मतलब नॉर्मल है, तो मतलब पीएनसी का क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब आप गेम्स के बारे में अगर जानते हो तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मिक्स डबल मतलब दोनों तरफ दो दो लोग होंगे कि एक एक लोग होगा? सर दोनों तरफ दोनों तरफ दो दो प्लेयर होंगे ना, लड़का लड़की कुछ भी हो, पर दोनों तरफ दो दो प्लेयर होंगे राइट, कि एक ही प्लेयर होगा? सर दो होंगे। सर दो होंगे ठीक है। फिर आप नंबर ऑफ वेज इन मिक्स डबल टेनिस गेम कैन बी अरेंज अमंग 9 मैरिड कपल। 9 मैरिड कपल है, इसका मतलब 9 मैन होंगे, 9 वुमेन होंगे ठीक है। इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेज इन द सेम गेम मतलब बेसिकली यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वो नहीं आना चाहिए, मतलब हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं आना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने ट्राई किया था घर पे, किसी का हो गया हो या फिर कोई तरीका डिस्कस करना चाहता? एक काम करो सब लोग ट्राई कर लो, मैं तुमको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार ट्राई करो और देखो, अटेम्प्ट करोगे फिर अपन डिस्कस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जल्दी से कर लो। आपको लास्ट लाइन से क्या मिलेंगे? क्या कह रहे हो? लास्ट लाइन से क्या मिलेंगे? नो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेस। हां लास्ट लाइन का ये मीनिंग है कि मतलब बेसिकली जैसे मान लो यहां पे दो प्लेयर इधर है, दो प्लेयर अगर इधर है, तो यहां पे कोई भी सेम हस्बैंड वाइफ नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई और हस्बैंड और किसी और की वाइफ हो तो वो आ सकते हैं, लेकिन सेम कपल एक साथ नहीं खेलना चाहिए। ओके सर, आई थिंक ये होगा। अगर मान लो दूसरा, अगर मान लो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर सिंगल सिंगल लोग एक तरफ खेल रहे तो फिर ये हस्बैंड वाइफ नहीं आना चाहिए। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तब तक आप ट्राई करो इसको और बताओ इसको करने का तरीका कितना होगा, क्या आंसर आ रहा है। और जिसका आंसर आ जाए सब अपने अपने तरीके डिस्कस कर सकते हैं, तब आपको ये समझा दूंगा आपने कहाँ गलती करी है। जल्दी से ट्राई कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है। सर अगर हमारे पास 9 मैरिड कपल्स है, 18 प्लेयर्स हो गए। बाकी लोगों को भी ट्राई करने दो, तब तक जल्दी से बाकी लोग ट्राई कर लो, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर ये वाला हो गया था सर। हाँ हो गया था ठीक है, वेरी गुड। जिसका हो गया मतलब बहुत बढ़िया है, दिमाग लगाया उन्होंने। मिक्स डबल टेनिस गेम का आगे मतलब क्या होता है? सर इसको समझने में टाइम लगा था, इसकी ट्रांसलेशन वगैरह गूगल से करनी पड़ी थी। हाँ वो तो है, ये थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, ये पीएनसी में इंग्लिश ऐसी आ जाती है जिसमें कहीं ना कहीं समझने में वो हो जाती है। अच्छा कोई लोग चैट बॉक्स पे भी लिख रहे हैं क्या? ठीक है, आप चैट बॉक्स पे मत लिखना है ना, फुल स्क्रीन है तो अनम्यूट करके पूछ लेना।
अच्छा ये बताओ, जिसने भी सॉल्व किया उसने क्या अजम्पशन माना? दो दो प्लेयर वाला माना कि सिंगल सिंगल प्लेयर वाला माना है? सर इसका मतलब मैक्स ऑफ लेटर सर इसमें सर ये मैंने पहले पता किया था, मिक्स्ड डबल टेनिस होता गया तो उसमें आया था मतलब लड़का लड़की का एक टीम होना चाहिए और सामने भी लड़का लड़की की एक टीम होनी चाहिए वो। अच्छा मतलब मेल बेसिकली दो मतलब ऐसा कुछ सर, दो टीम बनेगी आमने सामने मेल फीमेल और इधर भी आमने सामने मेल फीमेल। अच्छा अच्छा मेल फीमेल और मेल फीमेल ऐसा कुछ है क्या? पक्का ना यही है निशान? मेरे हिसाब से किया था मैंने, इस हिसाब से किया था। क्या हुआ सर? इसी हिसाब से कंसीडर करके किया था, आ गया था मतलब गूगल से किया था कि होता क्या है ये डबल टेनिस गेम। ओके ओके ठीक है। तो अगर ऐसा है कि भाई एक तरफ एक मेल फीमेल होना चाहिए, इधर भी एक मेल फीमेल होना चाहिए, तो अब बताओ क्या तरीका होगा? पहले 9 में से दो जेंट्स सेलेक्ट कर लेंगे 9 हां, अब यहां पे आपके पास 9 मेल अवेलेबल है, 9 वुमेन अवेलेबल है। हां बोलो 9 में से क्या सिलेक्ट करोगे? दो जेंट्स, दो मेल सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक कौन से? इधर वाले के लिए, इसके लिए, इसके लिए। यस सर। हां और अब सिर्फ वुमेन में से बस 7 में से दो सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दो वुमेन्स को तो हम लेंगे लेंगे नहीं क्योंकि दो इनकी वाइफ होंगी। अच्छा सेवन सीट होगा फिर। आपने बेसिकली जो दो यहाँ पे मेल सिलेक्ट हो गए उसमें से अब वो दो वुमेन को हटा दोगे जो पर्टिकुलर वुमेन यहाँ पे नहीं है। तो अच्छा उसमें ये भी तो हो सकता है, जैसे मान लो एक मैन इधर है तो वो वुमेन टू इधर आ जाए, मैन वन आ जाए, ये हो सकता है क्या? सर ये सर इसके लिए टू फैक्टोरियल से सर मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ अच्छा ये तो पॉसिबल है ना, ये हम काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि मैन वन इधर आ जाए उसकी वाइफ सामने, मैन टू और उसकी वाइफ सामने, तो ये सर काउंट करेगा ना, तीन तो अलग हो गई। क्या हुआ, कौन डांट खा रहा है पीछे? तो यहाँ पे हो जाएगा 7C2 राइट। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने कहा कि या तो दो मैन सिलेक्ट कर लो या दो वुमेन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि जैसे मान लो आपने 9C2 कर लिया, 9C2 में से दो मैन सिलेक्ट कर लिए, तो दो मैन एक इधर हो गया एक इधर हो गया। अब जो वुमेन सिलेक्ट करने की बारी आएगी तो अपन सबसे पहले उन दो वुमेन को तो अलग कर लिया जो इनकी वाइफ होगी, क्योंकि उनको अपन यहाँ पे ला नहीं सकते। तो बची मेरे पास 7 वुमेन, उन 7 में से दो वुमेन को सिलेक्ट करने का 7C2 तरीका, ठीक है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वाला इस मैन की वुमेन इधर, मतलब इस मैन की वाइफ इधर आ जाए और इस मैन की वाइफ इधर आ जाए, ठीक है। इससे आंसर आ रहा था, चेक करना एक बार। जैसा 1-5 वाला ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना जो भी आंसर है, ठीक है। चलो ये कौन सा पूछा था आपने, 14? ये कौन सा था, ये कौन सा क्वेश्चन? 13। 13 के बाद सर 19। 13 के बाद 19। 19 देख लो। पढ़ लो एक बार सब लोग। पढ़ लो एक बार। ठीक है। The sum of the all number that can be formed taken all at the time which has no repetition. ये तो कराया था, याद आ रहा है? देखो, the sum of all number which can be formed using the digit 1, 3, 5, 7 taken all at a time and the repetition is not allowed. यहाँ पे repetition allowed नहीं है। इन चारों को एक साथ लेना है तो इन सब का सम, चलो फटाफट रिकॉल करा देता हूँ। 1, 3, 5, 7 आई थिंक ये तो पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको मैंने एकदम बढ़िया तरीके से। 1, 3, 5, 7 है तो इन चार डिजिट से बनने वाले कितने नंबर होंगे टोटल, ये बताओ। सर 24। 24 राइट।
चार डिजिट से नंबर बनने वाले टोटल फोर फैक्टोरियल दैट इज 24 नंबर होंगे, है ना? ये सबको समझ में आता है? एक होगा 1357, एक हो सकता है 1537, इस तरह से, ठीक है? इस तरह से टोटल कितने नंबर होंगे? 27 नंबर होंगे, राइट? है ना? उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि देखो यहाँ पे जो सेवन, हर डिजिट कितनी बार आएगी, टोटल 24 में हर डिजिट कितनी बार आएगा यूनिट प्लेस पे? बोलो, चार बार. वेरी गुड. क्या करोगे, 24 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो हर डिजिट कितनी बार आएगा? सॉरी, चार बार नहीं, 6 बार. चार बार कहाँ से आ जाएगा? आया ना? हर देखो सब बराबर बार आएंगे तो टोटल 24 नंबर है. 24 नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? 6. सही है ना? हाँ. तो बेसिकली एक सेकेंड, ना कॉल आ रहा है मैं सर का, एक मिनट. आप लोग तब लोग ट्राई करो जल्दी से. सॉरी, एक कॉल आ गया था. ठीक है, बताओ कैसे करेंगे. सबको सिखा रखा था मैंने, ये जल्दी बोलो. यहाँ पे क्या होगा, सेवन कितनी बार आएगा बोलो? बताया था आप लोगों को मैंने. बताओ क्या था फॉर्मूला वो. एक तो हम क्या करते थे, इन सब का सम करते थे. याद आ रहा है कुछ? अब भूल गए हो. फिर एक 10^3, 10^2, 10^4 सम करते थे. मतलब हर डिजिट 6 बार आएगा, है ना? हर डिजिट 6 बार. तो बेसिकली जब इन सारे यूनिट प्लेस को मैं ऐड करूंगा तो इन सबका सम कितना होगा? 7 को कितनी बार ऐड करोगे? 6 बार. 5 को भी कितनी बार ऐड करोगे? 6 बार. 3 को भी कितनी बार ऐड करोगे? 6 बार. और 1 को भी कितनी बार ऐड करेंगे? 6 बार. तो बेसिकली ये क्या है, 7 × 6 प्लस 5 × 6 प्लस 3 × 6 प्लस 1 × 6, है ना? सर 91 होगा. इन सबको इसमें से 6 कॉमन ले लोगे तो बेसिकली जितने भी डिजिट है उनका सम आ जाएगा. सर 91. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 91 आ रहा है सर? या फिर हो सकता है कुछ गलत किया. अरे 3 × 5 करो, कितना सर? 96. ये कितना हो जाएगा, 10 + 16 × 6 होगा. ठीक है, तो 96 से मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, कैरी 9 चल जाएगी, आया ना? चल जाएगी सर. ठीक है, ये तो बेसिक तरीका मतलब एनालिटिकली, बस ऐसे एक एक करके करो. फिर वापिस यहाँ पे भी सेम काम होगा, सेम यहाँ पे भी 5 जो होगा वो 6 बार आएगा, 3 digit 3 भी 6 बार आएगा और 1 भी 6 बार आएगा, है ना? उन सबका सम वापिस कितना आएगा, 96, राइट? बोलो. यस सर. आ रहा है ना समझ में? Yes, कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और 96 में ये कैरी 9 वापस ऐड होगी, तो 9 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 105, आया ना? तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे. फिर वापस से इन सबको ऐड करोगे, वापस इनका सम 96 आएगा, 96 में वो 10 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 106, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे. वापिस वो जो लास्ट वाला होगा उन सबका वापिस सम करोगे, वापिस 96 आएगा, 96 में 10 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 106. ठीक है, बाकी आपको मैंने फॉर्मूला भी कुछ बताया था कि पहले तो इन सब डिजिट का सम कर देना, फिर यहाँ पे आएगा 10^3 कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 प्लस 10^2 प्लस 10^1 प्लस 10^0, याद आ रहा है? फिर यहाँ पे कुछ था, चेक कर लेने को. n-1 factorial, वेरी गुड. तो इनटू यहाँ पे n-1 factorial आ जाएगा. ठीक है, देख लेना जो भी आंसर है. इसके बाद ठीक है, मतलब कर लेना, एक क्वेश्चन ऐसे मैंने करा रखे क्लास में 2-3. किसी को जल्दी पूछ लो,
B7 से B19 में, B7 से B19, ठीक है। अगला कहाँ गया? हाँ ये सी सेक्शन, सी में C1 से C7 में कोई डाउट करा है कि नहीं? जल्दी निकालो, देख लो अपनी अपनी कॉपी में डाउट्स अगर कहीं लिख रखे हो तो। सर दो सी चाहिए, ढूंढने दो सर, ढूंढ लो जल्दी, ढूंढ लो सर। सेकंड क्वेश्चन कौन सा? सेकंड 13 मतलब कौन सा 13? B13 सर, 2 वाला सेकंड C2। ओके ओके, सुना ही काम दे रहा है लगता है मेरे को। आज C2 पढ़ लो, C2 क्या बोला है कि 2M कौन सा ये? अच्छा लाइक ऑब्जेक्ट, 2M व्हाइट आइडेंटिकल कॉइंस, 2N रेड आइडेंटिकल कॉइंस आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विथ M प्लस N आइडेंटिकल कॉइन ऑन ईच साइड ऑफ अ सेंट्रल मार्क। The number of ways of arranging the identical coins so that the arrangement are symmetrical with respect to the central mark. पढ़ो एक बार क्वेश्चन तो यहाँ से पहले। There are 2m white identical, 2m white coins हैं, 2n red coins हैं, are arranged in a straight line, 2m और 2n, तो ये 2m plus 2n होगा, with m plus n identical coin. अच्छा ये और अलग है, एक red है, एक white है और m plus n अलग coin है। सर ये मतलब एक बीच में लाइन बना दी है, आधे इधर आधे उधर, ऐसा जैसे मान लो अगर मेरे पास 10 कॉइन है तो एक बीच में मैंने लाइन बना दी तो 5 उस साइड अरेंज करूंगा, 5 इस साइड अरेंज करूंगा, ऐसा मतलब है। The number of ways of arranging the identical coins so that the arrangement are symmetrical with respect to the central mark, मतलब अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए, जैसा इधर वैसा उधर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करो, पहले तो क्वेश्चन को समझो, देखो गिवन डेटा में क्या क्या चीजें गिवन है, मतलब आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, और फिर क्या क्या आपको दोनों तरफ से आपको सोचना पड़ेगा। देयर आर 2m आइडेंटिकल कॉइंस, एक तो आपके पास 2m व्हाइट कॉइंस है, 2n रेड कॉइंस है, आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में उनको अरेंज किया गया, टोटली कॉइंस कितने हो गए 2m प्लस 2n विद m प्लस n आइडेंटिकल कॉइंस ऑन ईच साइड। अच्छा ये वही कॉइन है, सॉरी हाँ समझ गया। देखो मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो अगर 10 कॉइन है तो 5 उधर 5 इधर, तो यहाँ पे टोटल कॉइंस कितने हैं 2m प्लस 2n, आया ना? बोलो टोटल कॉइंस कितने हैं आपके पास 2m प्लस 2n, तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ m प्लस n कॉइन है। तो उन्होंने क्या बोला, एक बीच में एक लाइन बना दी गई है, तो m प्लस n कॉइंस इधर जमाए हैं और m प्लस n कॉइंस इधर जमाए हैं, ठीक है। टोटल मेरे पास जो 2m आइडेंटिकल क्या है, व्हाइट, हाँ एक आधे व्हाइट है और आधे रेड है, तो टोटल मेरे पास इतने कॉइन हो गए, तो आधे इधर जमाए। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस कॉइन, मतलब इसको आप अरेंज करने कितने तरीके होंगे ताकि सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो मतलब जैसा अरेंजमेंट इधर दिखेगा वैसा अरेंजमेंट इधर दिखना चाहिए, ऐसे कितने तरीके होंगे। टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कर लो ट्राई। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको कि नहीं आया अभी भी? आ गया ठीक है, जल्दी से ट्राई कर लो। सर टोटल नंबर ऑफ कॉइन जितने एक साइड में होंगे उतने इतने दूसरी साइड में होने चाहिए। हाँ तो बराबर ही तो बोला है, m plus n इधर, टोटल 2m plus n कॉइन है, तो m plus n कॉइन इधर होंगे, m plus n कॉइन उधर होंगे, तो बराबर ही तो है। हाँ सर, हाँ बस सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिंपल है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लाइटली सोचना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बना देना इसको।
चलो करें ट्राई सर, रुक रुक जाओ सर, आप और मैम बहुत कम टाइम देते हो। कम टाइम के ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है, क्या कम टाइम दे रहे, एक महीना हो गया इस चीज को। हां सर ये भी सही बात है, फिर हमने इतना टाइम अगर अपन देंगे तो फिर तो 12:10 बज जाएगी, करो जल्दी से। हां सर सही कह रहे थे, मैंने यही बोला तुमको, कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना, बहुत लाइटली सोचो इस चीज को। अब देखो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जैसा अरेंजमेंट इधर होगा वैसे ही अरेंजमेंट इधर होगा, तो अगर आपने एक तरफ अरेंजमेंट कर दिया दूसरी तरफ करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर, बस आपको एक तरफ अरेंजमेंट करना, दूसरी तरफ तो अपने आप हो जाएगा क्योंकि वैसे ही अरेंजमेंट उधर करना है। और सिमेट्रिकल है मतलब यहाँ पे देखो एम प्लस एन बॉल है तो यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिकल है मतलब आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी एम बॉल्स। सोचो थोड़ा जरा, यहाँ पे 2m थी, हाँ 2m थी, सॉरी 2m थी और ये भी 2m थी, तो यहाँ पे m प्लस n है तो m कैसी होगी, वाइट बॉल होगी, और n बॉल कैसी होगी, रेड बॉल होगी। आप मुझे ये समझा दो कि m प्लस n को इन दो ग्रुप्स में बांटने के कितने तरीके, m प्लस n टोटल बॉल को, बोलो m प्लस n फैक्टोरियल अपन में m n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ये आपको सिखाया था कि m प्लस n ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें से m को अलग बांटना है, n को अलग बांटना है दो ग्रुप्स में, m एक ग्रुप में, n एक ग्रुप में, तो इसको करने के कितने तरीके होंगे, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, हां है ना? यस सर, ठीक है। और जो आप इधर अगर आप वो काम करोगे इधर तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, जैसा काम इधर करना वैसे ही काम करना, इसके लिए मुझे कोई स्पेशल अरेंजमेंट सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक तरफ सोचना था, उसमें मैं सिमेट्रिकल बनाना था, इसलिए एम एक जैसी ले ली, एन एक जैसी ली, अब इनको आपस में अरेंज कर दूंगा, तो इनको आपस में अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो गए, ये हो गए, आया ना? इसको लिखने का एक तरीका और क्या सकता है, एम प्लस एन सी एम लिखो, या फिर अरे अनम्यूट करो बैकग्राउंड, या फिर बैकग्राउंड वाले को बोलो थोड़ा धीरे बोले, m प्लस एन सी एम और m प्लस एन सी एन, है ना? यस सर, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एक्चुअली देखो बनाया इजी था, लेकिन उन्होंने ऐसा इसको प्रेजेंट किया क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाए, कुछ भी नहीं था भाई, दो m प्लस एन भी बीच में बोल कर दी, बोले कि ये कैसे करोगे, बेसिकली पूछ क्या रहते, पूछ यही रहते कि m प्लस एन बॉल को दो ग्रुप में बांटने के तरीके, है ना? यस सर, ओके वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। C1 से C7 में और कोई डाउट है? C1 से C7 में और कोई डाउट है? सर एक बार ये वाला बता दो सर, 5 वाला है, 5 वाला, ठीक है। सम ऑफ द ऑल नंबर, अच्छा सम ऑफ द ऑल नंबर, ये वो वाला सेम है, बस इसमें आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का भी केस आपको सिखाया था, याद आ रहा है? यस सर, सिखाया था। ठीक है, एक मैं चाहता हूँ एक बार और ट्राई कर लो, या तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना, सेम तरीका है, कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था ना 1357, उनको सम करने का तरीका तो सेम, यहाँ पे भी बस यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है कि डिजिट्स क्या हो रहे, आइडेंटिकल, मैंने एक क्वेश्चन भी लिया था ऐसे आइडेंटिकल वाला, तो एक बार मैंने नोट्स देख लेना या तो, ठीक है सर? बस ये बता दो सर, इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं सर, फॉर्मूला वो बता दो सर एक बार, फॉर्मूला देख लेना है नोट्स में एक बार, वो अभी बताया था, सबका सम फिर 10 की पावर जो भी रहती है, मतलब मान लो 4 डिजिट का नंबर है तो 10 की पावर 3 से स्टार्ट होगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, और फिर मल्टीप्लाई बाय जितने भी डिजिट उसका एक एक कम फैक्टोरियल, आया ना? जैसे पिछला क्वेश्चन का फॉर्मूला यही था, वैसे इसका भी एक फॉर्मूला, ठीक है, एक बार नोट्स देख लेना, ठीक है? ओके, इसके अलावा डी में D1 से D6 में जल्दी पूछ लो, देख लो अच्छे से, ये क्या है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे थे हमने इसपे। यस सर, करे थे। हाँ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, D1 से D6 नहीं है कि याद नहीं आ रहा आपको? सेकंड वाला बता देते, कौन सा, D2? D2, हाँ सर, पढ़ लो एक बार, सब लोग पढ़ लो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 डिफरेंट टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द डिफरेंट एज ग्रुप सच दैट द डिस्ट्रीब्यूशन among the three elder is even and the youngest one receive one toy more,
अच्छा बेसिकली डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, आया ना। तो यहाँ पे बोला गया अभी चार लोग हैं, चार बच्चे हैं, चारों अलग अलग एज ग्रुप के, मतलब चार डिफरेंट पीपल हैं, और नाइन डिफरेंट टॉयज है। तो नाइन डिफरेंट टॉयज को फोर डिफरेंट चिल्ड्रन में बांटना है, जिसमें से तीन एल्डर है और एक यंगेस्ट है। तो यंगेस्ट को हमेशा यंगेस्ट वन इज टू रिसीव वन मोर टॉय, मतलब एल्डर से एक एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, रिसीव वन टॉय मोर। हाँ, और उसमें क्या बोला, थ्री एल्डर इज चिल्ड्रन इज इवन। ठीक है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन वापस। The number of ways in nine different toys can be distributed among four children, चार लोगों में बांटना है, different age group in such a way that the distribution among the three elder children is even, and the youngest one receive. अच्छा, पहले तो आपको ये सोचना होगा कि ये distribution किस type का होगा इस condition को satisfy करने के लिए। नौ लोगों को चार group में बांटना है, उसमें जो तीन है इसमें even number of आना चाहिए और इसमें extra आना चाहिए, तो बताओ क्या होगा distribution? Sir, two, 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 three. वेरी गुड, टू 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 और एक एक्स्ट्रा थ्री, इनका सम करो नाइन आ रहा है। Yes, sir. है ना, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ये तो लोवेस्ट कर दिया अपन इवन, इससे देखो इससे ज्यादा इवन जाओगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे कम जा नहीं सकते हैं, है ना। Yes, sir. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग नाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन दिस। अब यहाँ पे देखो क्या इसमें अरेंजमेंट करना है कि ऑलरेडी फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो तीन तो एल्डर होंगे आपके, एल्डर वन, एल्डर टू, एल्डर थ्री, एल्डर फोर। तो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है कि इसको यही मिलना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिवीजन। एल्डर्स में अरेंजमेंट हो सकती है। हाँ, किन एल्डर्स में? सर, एल्डर वन, एल्डर टू, एल्डर थ्री। हाँ, इसमें कर सकते हो भले कि एल्डर वन, एल्डर टू, एल्डर थ्री में। अच्छा, मुझे पहले बताओ इसका डिवीजन का तरीका कितना होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन बोलो। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल की पावर 3। 3 और कुछ भी होगा बताओ, ये 2 2 2 रिपीट हो रहा है, पहले 2 2 2 तीन बार आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करते सब बोलते जा रहे हो, क्या कर रहे हो, डिवाइड करेंगे ना, 2 2 2 तीन बार आ रहा है और फिर इन तीन को आपस में अरेंज करना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन देखो कोई आ रहा है क्या? ऑप्शन थ्री। क्लियर हो गया आप? सर, ये सर 2 2 2 कैसे आया सर? 2 2 क्वेश्चन में बोला है ना कि तीन लोगों को इवन नंबर ऑफ टॉयज मिलने चाहिए और यंगर को एक एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो इवन नंबर ऑफ टॉयज में या तो 2 होगा या तो 4 होगा, अगर मैं 4 4 4 रखूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रखना क्या पड़ेगा 2 2 2 और एक एक्स्ट्रा 3 है ना। ओके सर। सर वो मेरे को ये लग रहा था सर इस क्वेश्चन में कि आपको इवन सर नंबरिंग इवन है और आपको इवन नंबर वाले टॉयज ही बांटोगे, इसमें समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, होता है। देखो ये चैप्टर में जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि लैंग्वेज ऐसी आती है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश फंसा देती है, कॉन्सेप्ट तो आता है हमको लेकिन बहुत सी बार इंग्लिश फंसा देती है। आप समझ में आ गया सबको? यस सर। ध्यान रखना ये 2 2 2 सेम टाइम हो रहा था, इसको डिवाइड करेंगे हम, आया ना। यस सर। ये तो ठीक है, वेरी गुड, जल्दी पूछो नेक्स्ट आगे, बहुत टाइम लगा दिया आज तो आपने। नेक्स्ट सर, इसमें नहीं है। हाँ हेलो, हाँ पूछो नेक्स्ट, इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ई में पूछो, ई और एफ में देख लो ध्यान से। हेलो सर। सर डी ए, एक मिनट बैठो, एक मिनट। ओके सर।
हाँ सॉरी बच्चों, हाँ बोलो बताओ जी। सर मैंने जो लास्ट राउंड पूछा था उसके बाद आपने कुछ बताया ना? ना कुछ नहीं बताया एक्चुअली, मेरे यहाँ कॉल आ गया था एक सर का, अर्जेंट था इसलिए कॉल उठाना पड़ा। बोलो अब। हाँ नेक्स्ट डाउट D8 देख लो सब लोग। D8 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी डिवाइजर ऑफ दिस आर डिविजिबल बाय 10 बट नॉट बाय 15। अच्छा इसमें तो थोड़ा सा सेट्स का यूज होगा, सेट्स मतलब जैसे अच्छा मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना होता हाउ मेनी डिवाइजर ऑफ दिस आर डिविजिबल बाय 10 तो कैसे निकालते? अब इसको भूल जाओ, कैसे कैसे सोचते थे हमें ये डिवाइजर निकालने का कॉन्सेप्ट, क्या सीखा था हमने? प्राइम फैक्टराइज करते पहले। इसका प्राइम फैक्टराइज देखो 216 क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड होता है शायद, बता इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है? नहीं होता कुछ, 2 की पावर 3। एक मिनट, 2 की पावर कितना आता है इसमें? 3। और 3 का भी कुछ आता है क्या? सब्स्टिट्यूट 3। हां ये 6 का क्यूब होता है, याद आ गया। अरे सॉरी पूरा ही हट गया, एक मिनट नए पेज पे ले लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे क्या समझा रहा था मैं आपको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। नंबर क्या है मेरे पास, 216000। तो ये तो देखो 2³³ और ट्रिपल हजार है ना, तो 1000 मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 2 × 5 का होल क्यूब, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा टोटल 2 की पावर 6। चेक कर लेना कहीं गलती हो तो बता देना। और 3 की पावर 3 में अंतर है, 10 कम है। अच्छा सॉरी 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 बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, ये कहाँ गया इरेजर, 10 कम है ना, तो बता दो कितना आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 2 और 5 की पावर, यस ठीक है अब सही है, चेक कर लेना। फिर भी ये तो आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ कि इसके टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, क्या सिखाया था इसके कितने फैक्टर्स होंगे, कैसे निकालें? लगता आप रिवाइज करके नहीं आए हो, इस संडे पेपर भी है और पता नहीं क्या करोगे। सभी पावर पे प्लस वन करते हैं। हाँ क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ क्या हो जाएगा, 5 + 1 बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये याद नहीं आ रहा आप लोगों को, सिखाया था कि नहीं? 24 × 3 कितना होगा, ये 72, चेक कर लेना। ठीक है तो ये तो क्या होगा टोटल फैक्टर्स, मतलब बेसिकली इतने इसके फैक्टर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पूछा है कि डिविजिबल बाय 10, ऐसे में से कितने होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे, मतलब 10 हाउ मेनी डिवाइजर आर डिविजिबल बाय 10, मतलब ये जो 72 फैक्टर्स आएंगे उसमें से 10 से डिविजिबल होने वाले कितने फैक्टर होंगे। आप क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है अब सोचो और बताओ क्या करें, जल्दी दिमाग लगाओ। अटेम्प्ट किया ही नहीं लगता आप लोगों ने घर पे आज। सर जो फैक्टर्स होंगे वो 5 से डिविजिबल होंगे लेकिन 3 से नहीं होंगे। देखो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना पड़ेगा, कम से कम बेसिक कांसेप्ट है आपको। जब मैंने याद है वो सिखाया था ये वाले क्वेश्चन जब कराया था, तो मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे मान लो इसमें पूछे कि भाई ऑड फैक्टर बताओ। अच्छा मुझे आपके ये पूछता कि इसमें ऑड फैक्टर कितने होंगे तो कैसे बताते, याद आ जाएगा आपको भी, इसमें से ऑड वाले फैक्टर कितने होंगे कैसे निकालेंगे। हाँ जहां से जब पावर 3 और 5 की आएगी है ना, तो क्या करेंगे बोलो, ऑड फैक्टर काउंट करने के लिए 2 वाले फैक्टर कंसिडर करेंगे क्या? नो सर नहीं। तो ऑड फैक्टर में हम कौन सी पावर कंसिडर करेंगे, 3 और 5 की, तो क्या लेंगे 3 + 1 × 5 + 1 आया ना, तो ये आ जाएगा ऑड फैक्टर। अब वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 10 से डिविजिबल वाले फैक्टर कितने होंगे, तो 10 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 चाहिए, हाँ या ना?
मतलब मेरे को मिनिमम एक टू और एक फाइव तो चाहिए, ज्यादा आएगा तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक टू और एक फाइव तो चाहिए। तो बताओ अब मैं फैक्टर्स कौन कौन से लूंगा, टू में से क्या रहेंगे, टू के क्या कौन कौन सी पावर लेंगे, क्या टू की पावर जीरो कंसीडर करेंगे? नहीं नहीं टू की पावर फाइव है टोटल, यहाँ पे टोटल बेसिकली छह पावर है टू की, है ना, फाइव प्लस वन मतलब सिक्स पावर, सिक्स पावर कौन कौन सी होती थी, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, है ना, ये छह पावर है, ठीक है। अब मुझे अगर मान लो टेन का डिविजिबिलिटी करना है तो इसमें से कौन सी पावर नहीं लूंगा, ये वाली नहीं लूंगा, वेरी गुड। तो टू की कौन कौन सी पावर कंसिडर करेंगे, एक दो तीन चार पांच, हाँ है ना, वेरी गुड। थ्री थ्री का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, थ्री को आप सारा ले लो या फिर नहीं लो तो भी चलेगा, और फाइव में, फाइव में भी कम से कम एक फाइव तो चाहिए मुझे, सर पूरा क्वेश्चन सर आगे लिखा है पंद्रह से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अरे हाँ मेरे को पता है, मैं सिर्फ टेन टेन का सोच रहा हूँ अभी, मैं मुझे पता है क्वेश्चन का, हाँ क्वेश्चन में मैं अभी जब तुम टेन का बताओ वही बड़ी बात है, अभी पंद्रह का भी सोचेंगे, सबसे पहले टेन का सीखो। तो टेन में अपन ये वाला नहीं लेंगे, ये दो लेंगे, हाँ है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे दो, तो ये कितना आ जाएंगे, फाइव इंटू फोर इंटू टू कितना आ गया, ये 40, मतलब टोटल 72 में से 40 फैक्टर ऐसे होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे, क्लियर है यहाँ तक? ये सब चीजें, अरे सॉरी, ये सारी चीजें आपको मैंने करा रखी है, बस आपको यही है कि आप थोड़ा सा रिवीजन की कमी है आपकी। अब नॉट बाय 15, अब पूछा है कि 10 से तो डिविजिबल होने चाहिए लेकिन 15 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, तो मुझे अब ये सोचना है कि इसमें से कैसे, इसमें से कौन से फैक्टर ऐसे होंगे जो 15 वाले, अब 15 के लिए क्या चाहिए, थ्री वाला अलाउड नहीं है तो कौन सा माइनस कर दो, थ्री वाला कौन सा, देखो थ्री के टोटल, थ्री की पावर कितनी आ रही है अपने पास क्वेश्चन में, कितनी आ रही थी थ्री की पावर, थ्री की पावर थ्री आ रही थी, थ्री की, तो फिर चार पावर कौन कौन सी कंसिडर होगी, थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, हाँ है ना, ये चार पावर्स होगी थ्री की। तो मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर पंद्रह का नहीं चाहिए तो कौन सी कंसिडर करूंगा, कौन सी कंसिडर नहीं करूंगा, वेरी गुड, सिर्फ थ्री की पावर जीरो कंसिडर करेंगे बाकी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक भी थ्री आ गया और एक भी फाइव आ गया तो पंद्रह बना देगा, चाहे दो हो तीन हो चार हो, लेकिन कम से कम अगर एक थ्री भी आ गया तो 15 बन जाएगा उससे, हाँ है ना, yes, sir, तो मुझे थ्री के लिए, अरे सॉरी सॉरी, थ्री के लिए सिर्फ कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ एक पावर, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा इसके लिए, यहाँ पे थ्री प्लस वन की जगह हम क्या ले लेंगे, सिर्फ वन, आया ना, yes, sir. अब ये कर दो तो बेसिकली यहाँ पे वन हो जाएगा, तो फाइव टू से कितना हो जाएगा, टेन, आ गया समझ में, Yes, सब कुछ रिकॉल करा दे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका कितना होता था, इसमें सब में प्लस वन प्लस वन प्लस वन, क्योंकि इसमें सारी पावर कंसीडर कर रहे हैं, दो की पावर पांच हो रहा है, दो की पावर पांच का मतलब है ये टोटल छह पावर्स हैं इसके अंदर, कितनी पावर्स हैं, छह फैक्टर, वैसे थ्री के भी कितने फैक्टर है, चार, टू के भी कितने फैक्टर है, तीन, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। अगर मैं आपको पूछता ऑड फैक्टर बता, तो ऑड फैक्टर के लिए आपको टू वाले कंसीडर नहीं करने, सिर्फ कौन से कंसीडर करने, थ्री और फाइव के, तो ऑड फैक्टर आ जाते। अब यहाँ पे पूछा था 10 के होने चाहिए 15 के नहीं होने चाहिए, तो 10 बनाने का तरीका कम से कम एक 2 और एक 5 तो आना ही चाहिए, तो 2 वाले को हम 2 में सिर्फ 2 की पावर 0 को छोड़ के सब कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि मिनिमम एक 2 चाहिए, तो 2 की कितनी पावर हो गई 5, वैसे कम से कम एक 5 चाहिए, तो 5 में इसको छोड़ के सब कुछ, तो 2 पावर हो गई 5 की। अब मुझे 15 नहीं बनाना, मतलब 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो 3 का सिर्फ एक ही पावर कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10। बोलो आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई थिंक थोड़ा बहुत रिकॉल तो हो गया होगा इस F1, F2, F3 के कारण, आया ना? Yes, yes, sir. अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कौन सी अगली 2 होती ना, हाँ 2 अटेम्प्ट करी कि नहीं करी है, या फिर भूल गए हो? ईमानदारी से बताओ, नहीं करी हो तो मैं टाइम दे सकता हूँ, बोलो करी कि नहीं, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी, ठीक है, एक बात सुनो मेरी ध्यान से, मैं आपका आज रात का और टाइम, अच्छा कल सुनो मेरी बात, कल आपकी दो क्लास लगेगी, एक निशा मैम लेंगी और एक मैं क्लास लूंगा, आपको अभी ना देखो दोनों काम करने हैं, वो जो बाइनोमियल की क्लास लगेगी वो इवनिंग में लगेगी, ठीक है, तो ट्राई करना इवनिंग तक एटलीस्ट ये स्टार्टिंग के G1, G2, H1 तक, यहाँ तक एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लेना एक्सरसाइज 2 के पहले पहले,
ठीक है, मैं पूरी नहीं दे रहा हूँ, एटलीस्ट इसके पहले पहले बाइनोमियल कितना आपके स्टेटस क्या है बाइनोमियल का, कहाँ तक हो चुकी बाइनोमियल अटेम्प्ट बताओ? स्टार्टिंग हुई अभी, स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो आप ये एबीसीडी वाले ये सेक्शन वाइज वाले कर लेना, एक्सरसाइज अभी भले ही मत करना, मैं उनको बोल दूंगा, मैम को बोल दूंगा, अभी वो एक्सरसाइज टू डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप स्टार्टिंग है एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लेना, एक बार अटेम्प्ट करके डिस्कस कर लोगे ना तो पेपर थोड़ा ठीक चल जाएगा। ठीक है, मेरा भी थोड़ा सा वो हो गया था कि मेरा डिस्कशन करना लेट हो गया क्योंकि हम थोड़ा डिले हो गए थे, चैप्टर थ्योरी में हमारा ज्यादा टाइम चला गया था, तो मॉड्यूल अपना डिस्कशन रह गया। तो कल आपके पास दो टास्क रहेगा, पहला टास्क मॉर्निंग में मैं जो क्लास लूंगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज टू डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप आज अभी रात को ही इसको अटेम्प्ट कर लेना और सुबह उठ के जल्दी अटेम्प्ट कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली अपन 10 बजे क्लास रखेंगे, 10 या 11 बजे। ठीक है, ताकि तब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है एक्सरसाइज 2 को अटेम्प्ट करने। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर एक बार देख लेते हैं। सर थोड़ा 12 बजे के करीब रख सकते हो, स्कूल खुला रखा है कुछ है स्कूल में। क्या है स्कूल में? आप नहीं सर, वो लोग हमारे स्कूल में एक्चुअली में अभी हाल ही में कोई टेस्ट हुआ था तो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुला रहे हैं। आपको ही बुला, सबको बुला रहे हैं, सिर्फ आपको बुला रहे हैं? सबको बुला रहे हैं, नहीं बाकी लोग जितने इस क्लास में उनकी बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, एक ही बंदा है सर, अभी से ही है सर स्कूल में। ठीक है सर, जहाँ क्लासेस चल रही है। तो एक काम करो, सुनो सुनो मेरी बात, 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चंस के लिए कम से कम 1.5 घंटे का आप टाइमर सेट करना घर पे, 1.5 घंटे के स्लॉट में इसको अटेम्प्ट कर लेना, 1.5 से 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटा। तो 2 घंटे का टाइमर सेट करना, अब चाहे आज रात को करो या सुबह उठ के करो। ठीक है, 2 घंटे में जितना आपसे अटेम्प्ट हो पाए ठीक है, जो अटेम्प्ट नहीं हो पाए उनको छोड़ देना, ऐसा टेस्ट पेपर इसको देना। क्लियर है? ऐसा टेस्ट पेपर इसको अटेम्प्ट करना, 2 घंटे का टाइमर सेट करना, 2 घंटे में जितने आपसे बन पा रहे ठीक है, जो नहीं बन पा रहे उनको छोड़ के आगे अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन 2 घंटे के टाइम सेट में 34 क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट करके आना। फिर अगली क्लास में जो मॉर्निंग में मैं लूंगा उसमें इसका डाउट डिस्कशन कर लेना, वो हो जाए उसके बाद फिर आप इवनिंग वाली क्लास में निशा मैम से बाइनोमियल के डाउट्स कर लेना। क्लियर है सबको? ओके सर, सॉरी। ठीक है, तो ये आज एक और टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, ये सेकंड एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट। देखो फर्स्ट वाले में क्या था, टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन में थोड़ा सेग्रीगेशन था, अभी अपन ने रिवाइज भी कर लिया तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ गया होगा कि क्या क्या चीजें पढ़ाई थी। तो घर जाके नोट्स को रिवाइज करना, इस सेकंड एक्सरसाइज को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना और फिर अपन कल मिलते हैं। राइट? ओके सर, ओके सर, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर।